OnePlus Nord CE3 एक बहुत अच्छा फोन है, पता है मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। पता है क्यों? बताता हूँ, रुको जरा, सबर करो। तो चलो सबसे पहले इसका प्राइस देखते हैं, जो कि इंट्रोडक्टरी ऑफर के साथ 25,000 पड़ेगा। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन की बात करें तो नो डाउट बहुत अच्छा सा डिजाइन है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्ता फील होता है, क्योंकि सेम डिजाइन CE3 लाइट में भी है और रियलमी तो और सस्ते फोन में दे रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, उसी सस्ते डिजाइन को OnePlus 25,000 में यूज किया है, तो ग्लास बैक तो दिया होगा, लेकिन नहीं, वो भी नहीं, प्लास्टिक बैक है, वो भी ग्लॉसी वाला, मतलब समझ जाओ स्क्रैच आ जाएगा। ये एक 10,000-11,000-12,000 के फोन से एक्सपेक्टेड है कि प्लास्टिक बैक आएगा, अच्छे क्वालिटी का प्लास्टिक होगा, चलेगा, लेकिन 25,000 के फोन के हिसाब से बेकार हुआ। प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 782G है, मतलब सीधा बताऊं तो जो 778G था वही प्रोसेसर है, या फिर उसका छोटा अपग्रेड मान सकते हो, मतलब स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाला है इस प्रोसेसर का। इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले है विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और ठीक ठाक पतले बेजल्स भी हैं, मतलब प्राइस के हिसाब से अच्छा है डिस्प्ले। 50+8+2 का कैमरा है, मतलब डुअल कैमरा सेटअप मान सकते हो 50MP+8MP का, और सेल्फी 16MP का है, जिसमें से बाकी सारा कैमरा तो नॉर्मल है, लेकिन जो 50 मेगापिक्सल वाला मेन सेंसर है वो भाई नेक्स्ट लेवल है, IMX890। मतलब ये सीरियसली बहुत अच्छा हार्डवेयर यूज किया OnePlus ने। बस एक यही पॉइंट है जिसे देख के मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा ये फोन, उसके अलावा कुछ भी नहीं। 5000mAh का बैटरी है, 80W का सुपर बुक चार्जिंग है, ऑफकोर्स 5G है, ये बताने वाली बात ही नहीं है। 185g वेट है, तो लाइट वेट ही हुआ, और 8.2mm का थिकनेस है। तो अभी तक आप यही सोच रहे हो कि भाई 25,000 में अच्छा तो है फोन, और क्या बच्चे की जान लोगे, तो मैं भी यही कह रहा हूँ, 25,000 में फोन अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि भाई इसका कॉम्पिटिशन देख लो एक बार, जैसे Realme 11 Pro, Pro Plus, उसका डिस्प्ले इससे काफी बेटर लगता है, इसलिए नहीं कि कर्व डिस्प्ले है, बल्कि बेजल्स भी बहुत ज्यादा पतला है इसके कंपैरिजन में, और उसके सामने अब इसका बेजल्स भाई मोटा दिखेगा। और बैक भाई कितना ज्यादा प्रीमियम है, एकदम वीगन लेदर और बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा डिजाइन। इवन मोटो एज 40 जो इससे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो फोन भी इससे बहुत ज्यादा बेटर है भाई। सबसे पहला प्रोसेसर उसमें डायमेंसिटी 8020 जो कि इससे अच्छा खासा बेटर हो गया। फिर डिस्प्ले 144Hz का, वो भी कर्व, वो भी इससे ज्यादा पतले बेजल्स के साथ। कैमरा फ्रंट में 32MP और OnePlus में 16 मात्र, और वाइड एंगल 13MP और OnePlus में 8MP मात्र, और उस फोन का वेट मात्र 167g और थिकनेस 7.4mm। मतलब सीरियसली कमाल ही कर दिया भाई मोटोरोला ने। IP68 रेटिंग के साथ है भाई, ग्लास प्रूफ नहीं वाटर प्रूफ बोलो उसको। और बाकी OnePlus में भी भाई कलर वैसे ही चलता है, थोड़ा कम ऐड है ओपो और Realme से, बट है वही ऑपरेटिंग सिस्टम और मोटोरोला का अपना क्लीन UI। मतलब एट द एंड में फाइनल स्टेटमेंट दूं तो भाई फोन बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा रिकमेंड करूं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे करो, अच्छे अच्छे फोन्स मिलेंगे। अगर आपको OnePlus लेने का ही मन है और प्राइस थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हो तो OnePlus Nord 3 एक अच्छा ऑप्शन होगा। ये कहीं ना कहीं मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बाकी आपकी मर्जी, मैंने सब कुछ बता दिया है। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, जय श्री राम।